पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 8 में हमने जो है ग्रेव स्टोन डोजी पियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सीखा था, और हमने इसके बारे में ये जाना था कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और ये कब बनता है, कहाँ पे बनता है, और इसके बनने के बाद मार्केट का जो बिहेवियर है, जो डायरेक्शन है, वो क्या कैसे होता है या क्या होता है। तो सारी चीज़ें हमने जो है पार्ट 8 में एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देख लेनी है। और आज की इस वीडियो में जो है हम लोग जानने वाले हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न जो है तीन कैंडल से मिलके बनता है। जब तीन कैंडल सेम टाइप के बनते हैं तो जो है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। तो काफ़ी सारे जो पैटर्न है वो सिंगल कैंडल से ही बन जाते हैं, एक ही कैंडल से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा पैटर्न है, लेकिन कई सारे कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसे हैं जो कि दो या तीन या चार कैंडल स्टिक पैटर्न के मिलने के बाद बनते हैं, या कई सारे कैंडल स्टिक पैटर्न के मिलने के बाद बनते हैं। तो ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है ये तब बनता है जब तीन कैंडल स्टिक पैटर्न एक ही फॉर्मेशन में बनते हैं, इस टाइप के फॉर्मेशन में बनते हैं, तो समझ लीजिए कि ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न जब मार्केट डाउन की ट्रेंड में होता है तब बनता है, यानी जब मार्केट कंटिन्यूसली डाउन की ट्रेंड में जा रही होती है उस टाइम जब एक बियरिश कैंडल बनती है, यानी इस टाइप की एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, यानी कि एक बड़ी कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है, और फिर उसके बाद एक छोटी कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है, फिर उसके बाद जो है एक बड़ी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है, तो जो है तीनों कैंडल स्टिक पैटर्न को मिला के जो है एक नया कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, जिसे हम मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। और ये जो है एक बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, यानी कि जब भी ये इस तरीके का फॉर्मेशन बनता है तो समझ लीजिए मार्केट जो है, मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अप साइड में चेंज हो सकता है, अप डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो यहाँ पर जो है अभी आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो बिग कैंडल स्टिक यहाँ पे जो बिग बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न हम लोगों को दिख रही है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बिग बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो सेलर्स के कंट्रोल में है, यानी मार्केट कंटिन्यूसली डाउन की ट्रेंड में जा रही है और अभी भी जो मार्केट है वो सेलर्स के कंट्रोल में है। लेकिन जब उसके बाद एक स्मॉल यहाँ पे एक स्मॉल कैंडल स्टिक बनती है, छोटी सी कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे जो है बनता है, और नेक्स्ट जो बिग कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है उसके नेक्स्ट बाद उसका अगला जो कैंडल स्टिक बनता है वो छोटा सा बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है अब जो है बायर्स और सेलर्स दोनों के कंट्रोल में है, यानी कि पूरी तरीके से मार्केट जो है वो सेलर्स के कंट्रोल में नहीं है, अब जो है बायर्स और सेलर्स दोनों के कंट्रोल में है। और उसके बाद उस छोटी कैंडल स्टिक के बाद जब एक बिग नई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है, तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न कब बनती है, जब मार्केट पूरी तरीके से बायर्स के कंट्रोल में होती है तो एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है, और जब मार्केट पूरी तरीके से सेलर्स के कंट्रोल में होती है तो एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जब भी एक बड़ी कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है बियरिश, तो समझ लीजिए कि मार्केट जो है सेलर्स के कंट्रोल में है, और जब भी एक बड़ी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है तो समझ लीजिए मार्केट जो है वो बायर्स के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल था, उसके बाद यहाँ पे जो है बायर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया, यानी कि बायर्स और सेलर्स दोनों के यहाँ पे सेलर्स के कंट्रोल में था मार्केट, और उसके बाद यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों के कंट्रोल में मार्केट आ गया, और उसके बाद यहाँ पे जो है मार्केट पूरी तरीके से बायर्स के कंट्रोल में आ गया। और जब ये तीनों फॉर्मेशन यानी तीनों कैंडल स्टिक मिलके एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाते हैं, और ये मॉर्निंग स्टार जो है एक बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, जो डायरेक्शन है, वो यहाँ से चेंज हो सकता है। और अभी तक मार्केट जो है कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में जा रही थी, लेकिन जैसे ही एक मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो मार्केट जो है अब डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है, यानी कि बायर्स के कंट्रोल में आ जाएगी, और यहाँ से जो है बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसे जो है हम यहाँ पे ये जो नीचे का ये कैंडल स्टिक है रेड और ग्रीन कैंडल स्टिक पर भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडल स्टिक हमें ये बता रही है कि मार्केट जो है वो पूरी तरीके से सेलर्स के कंट्रोल में है, और इसके बाद ये कैंडल स्टिक, ये छोटी वाली कैंडल स्टिक हमें ये बता रही है कि मार्केट जो है सेलर्स और बायर्स दोनों के कंट्रोल में है, और उसके बाद ये बड़ी वाली कैंडल हमें ये बताती है कि मार्केट जो है अब पूरी तरीके से बायर्स के कंट्रोल में है। और ये तीनों कैंडल स्टिक मिल के एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहा जाता है, और जब भी ये पैटर्न बनता है तो समझ लीजिए कि यहां से जो है मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है, यानी कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट यहां से अप डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि यहां से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इससे ये पता चलती है। तो अब इसे जो है हम चार्ट पे यहाँ पे समझ लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने चार्ट पे यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया है, चार्ट पे देख सकते हैं मार्केट जो है कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में जा रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, और मार्केट जो है यहाँ से
बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में यानी बुलिश ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और बुलिश यानी अब डायरेक्शन में मार्केट मूव करना शुरू कर देती है। और इसे हम नीचे भी समझ लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट जो है कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में जा रही होती है, लेकिन उसी टाइम यानी कि मार्केट बियरिश के कंट्रोल में होती है, सेलर्स के कंट्रोल में, लेकिन उसी टाइम जो है यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है और उसके बाद मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है और यहाँ से जो है बुलिश का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो और दोस्तों एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डोजी बना हुआ है। जब भी एक डोजी बनता है और डोजी के बाद एक पिछली कैंडल जो है वो एक बड़ी कैंडल, एक बड़ी बियरिश कैंडल बनती है और डोजी के बाद एक जो है एक बड़ी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है। जब इस तरीके से बनता है और तीनों कैंडल स्टिक पैटर्न मिला के एक डोजी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है और ये जो है एक स्ट्रांग सिग्नल होता है, यानी जब भी ये चार्ट पे बनता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है डेफिनेटली जो है वो मार्केट जो मार्केट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकता है। इससे जो है सुनिश्चित हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स होने ही वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।